YouTube चैनल आपकी आवाज। अभी मैं अब्दुल हाजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, क्या है एक दो मिनट में अपना इजहार फाइल करें। सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। अभी आप लोगों ने हमारे मैडम से CAA, NPR और NRC के बारे में सुना है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। आज़ादी आज़ादी, ये कौन सी आज़ादी? अरे कोई आज़ादी की जरूरत नहीं है हमको, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद भारत है। हमको क्या चाहिए? आज़ादी। आज़ादी हम हासिल कर चुके हैं 1947 में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर हिंदुस्तान को आजाद कर चुके हैं। अभी आजाद तो इन BJP और RSS संघियों से आजादी लेना है। इनको इस हिंदुस्तान में जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हमारे इस हिंदुस्तान की इस पावर से इनको पावरलेस करना है। मैं मोदी से, अमित शाह से, योगी से कहता हूं, तुम पावर का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हो, पावर और वक्त एक जैसा नहीं है। आज तुम्हारा है तो कल हमारा है। शम्मा बुझ जाएगी तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। जिंदगी में कभी मायूस ना हो और इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। और मैं, अमित शाह ने जब CAA का बिल पास किया था, ऐसा देख रहा था, वो ऐसा देख के कह रहा था, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सर, ऐसे बिल्कुल देख के बोल रहा था क्या, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो अमित शाह सुन ले, ए तरीपार सुन ले, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, डर मुसलमानों से डरता है। याद रखो मुसलमानों, डर के आगे जीत है, मौत के आगे जिंदगी है। गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हक के लिए हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हिंदुस्तान सबका देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो विरासत में मिली हो। ये क्या समझ रहे हैं आजादी? ये क्या है CAA? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैडम ने और हमारे जिया नोमानी साहब ने और बहुत लोगों ने बात किया। कोई आजादी की जरूरत नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान है। किसी के बाप में दम हो तो आपको निकाल के दिखाओ। अरे तुम हिंदुस्तान की बात करते हो, अगर तुम्हारे बाप में दम है तो BJP RSS संघियों, अरे हमको बैंगलोर से निकल के दिखाओ। कोई नहीं निकलेगा, ये हिंदुस्तान सबका देश है और इसी हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे उलमा-ए-किराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। जैसा कि आपने सुना होगा, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक कोई ऐसा झाड़ नहीं जिस पर कोई हमारे उलमा-ए-किराम की लाश ना लगी हो। हर जगह पर हमारे मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी है, सिख ईसाइयों ने कुर्बानी दी है। ये हिंदुस्तान बना है तो सब लोगों को लेकर बना है। और हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब का जो संविधान है, आज उस संविधान को बचाने की जरूरत है। क्योंकि BJP और RSS जब से पावर में आई है, ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए कश्मीर का मसला, 370 आर्टिकल निकाल दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे और ये जब से पूर्व में कभी ट्रिपल तलाक का मसला, कभी 370 आर्टिकल, कभी बाबरी मस्जिद का भी गलत फैसला, जैसा कि मेरे भाई जिया नोमानी का ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में है BJP और RSS की, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट को कहना है ये तुम सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी, अमित शाह और RSS को लेकर हिंदुस्तान की 130 करोड़ की पॉपुलेशन को और आबादी को गलत फैसला सुना नहीं सकते। क्योंकि हम सारे हिंदुस्तानी, पूरे हिंदुस्तानी 130 करोड़ की आबादी के लोग हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग एतमाद रखते हैं, भरोसा रखते हैं,
मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से और सुप्रीम कोर्ट के हर एक अफराद से कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम फैसला सुनाने से पहले 130 करोड़ लोगों को देखकर फैसला सुनाना होगा। सिर्फ मोदी को और अमित शाह को, योगी को और एसएस के किसी भी गुंडे को देख के फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर फैसला सुनाना है तो हक पर होगा, बोला भी हक पर होगा ना। और हिंदुस्तान में भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारे मुसलमान लोग, दलित लोग जो भी इस मुहिम में, तहरीक में, प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, शाहीन बाग से लेकर, दिल्ली से लेकर, हमारा उमर खालिद से लेकर, कन्हैया कुमार हमारा भाई अहमद, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, जिग्नेश मेवानी, शैला रशीद, ये जब सब लोग जो इस तहरीक में जुड़े हुए हैं और इस तहरीक में आप सब लोग का साथ चाहिए। और हम सब ये जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम जो भी जुड़े हुए हैं, सिख ईसाई सब लोग सिकंदर है, लेकिन स्पेशली जो ये CAA और NRC कहते हैं, जो मुसलमानों को दावा किया जा रहा है कि हमको बाहर निकालेंगे, कह रहे हैं कि हम तुमको बाहर निकालेंगे। और याद रख लो, BJP, RSS, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, मुसलमान इस देश से छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान सिकंदर है और सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। और रही बात संविधान को बचाने की, मैं संविधान के लिए एक शेर बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और सब लोगों को साथ में रहना है प्रोटेस्ट के लिए, तभी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं, वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब तक हम लोग सब हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा। जब तक चांद सूरज रहेगा, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहेगा। ए मौत और ये लोग यूपी में 25 से 30 लोग को मार दिए, मंगलोर में 2 लोग को फायरिंग हो गए, और पुलिस भी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह के पीछे की भी फेवर में है, क्योंकि ये पुलिस भी इसीलिए तो मुसलमानों का और दलितों का कत्ल हो रहा है। तो ये लोग मौत को डरा के, ये लोग चाह रहे हैं कि हम तुमको मौत का बहाना देके डराएंगे। ऐ नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह, RSS सुन ले, हम इस संविधान को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। ऐ मौत, न डराना मुझको जिंदगी का बहाना देकर, ऐ मौत न डराना मुझको जिंदगी का बहाना देकर, मैंने कफन बांध लिया है संविधान को बचाने की मोहब्बत में शहीद का बहाना लेकर। खुदा हाफिज़।